सोमवार को भी मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनी जनता की समस्या। प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए विधायक और मंत्री बने असीम अरुण ने थोड़े समय में ही लोगों के दिलों में राज करना शुरू कर दिया। इतना लोकप्रियता हासिल कर ली कि उनसे मिलने वालों को निश्चित दिन और समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए प्रतिदिन जनसंपर्क कार्यालय पर लोगों का तांता लगा रहता है, जिन्हें मंत्री जी निराश नहीं करते। उनकी समस्याओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनकर उनका निराकरण करने का भरोसा दिलाते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम द्वारा आज लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की समस्याओं को मंत्री जी ने सुना और उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क कार्यालय के जस्ट बाहर। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कार्यालय जो इस विधानसभा से विजयी हुए विधायक असीम अरुण जी, जो इस समय राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने यहाँ पर आए हुए अपनी विधानसभा के जो भी फरियादी हैं उनकी फरियाद को सुनने के लिए इस कार्यालय का जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। तो ऐसे ही यहाँ पर आए दिन जो है फरियादियों का तांता लगा रहता है, जबकि 2 दिन जो है निश्चित किए गए, सैटरडे और संडे, यानी शनिवार और रविवार को मंत्री जी यहाँ आकर के जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुनने का कार्य करते हैं, उनका निदान करने का कार्य करते हैं। आज जो ये दिवस निश्चित किए गए उसके बावजूद भी यहाँ पर जो फरियादी आए हुए हैं उनसे मंत्री जी आज सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका निदान करेंगे। चलिए मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में या माध्यम से जो अभी संवाद होगा उसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, किस प्रकार से जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। फरियादियों के साथ साथ वरिष्ठ भाजपा नेता संजय मिश्रा जी भी मौजूद हैं। चलिए मैं उनसे पूछता हूं, सर यहाँ पर जैसा कि निश्चित है 2 दिन निश्चित किए गए हैं मंत्री जी जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने के लिए, आज जो है यहाँ पर किस प्रकार का ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज तो लगभग सोमवार है? नहीं, जैसे शनिवार इतवार है मंत्री जी यहाँ बैठते हैं और उसके बाद भी डेली का नियम है। आज जैसे आपने आज देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री जी से बात कराई जाती है फरियादी की। अपनी ही विधानसभा नहीं, दूसरी विधानसभा का भी कोई अगर मामला आता है उनकी भी जो उचित मदद हो सकती है मंत्री जी के कॉन्फ्रेंसिंग करा के उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। और कार्यालय पे हमारे गोस्वामी जी बैठते हैं, अध्यक्ष राठौर जी हैं और ये विवेक पाठक जी हैं, राजन जी हैं, ये लोग और वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग आते रहते हैं समस्याओं को सुनने के लिए, देखने के लिए कि अपना कौन है। कार्यकर्ताओं को हर तरीके से सुविधा प्रदान हो, कोई तकलीफ न हो, तो मैं समझता हूँ इसे बहुत अच्छा निर्णय है। पार्टी मंत्री जी जिस हिसाब से विधानसभा में काम कर रहे हैं उस विधानसभा जनता को बड़ा ही आराम महसूस हो रहा है, उसकी समस्याओं का तत्काल निराकरण हो रहा है। सर जैसा कि जिस दिन ये निश्चित किए गए हैं 2 दिन, उसके अलावा भी जो है यहाँ पर फरियादी या मतलब जो है विधानसभा या अन्य लोग भी जो है आकर के अपनी समस्याओं का निस्तारण या सीधे मंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है उनका निदान भी किया जाता है, तो आज सर कितने ऐसे केसेस या कितने फरियादी आए हैं कि आप संख्या बता सकते हैं? आज कम से कम लगभग 25 लोग आए होंगे और कुछ लोगों की जो है जब माननीय मंत्री जी के पास समय रहता है तो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी वार्ता भी करा दी जाती है, और उसके उपरांत जो भी इस कार्यालय के माध्यम से हम लोग हैं तो संबंधित अधिकारियों से बात करके और उसका उस समस्या का निदारण निस्तारण कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर जो लोग यहाँ आते हैं आने के बाद मंत्री जी से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी संवाद करने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट नज़र आते हैं? हाँ, जितने लोग जाते हैं हम लोगों का प्रयास ही रहता है कि वो लोग संतुष्ट होकर के जाएं, और ये प्रयास भी रहता है कि उनका जो समस्या है उसका निदान और निस्तारण समय से जल्द किया जा सके, चाहे हम अपने संगठन के माध्यम से या फिर
अन्य माध्यम अधिकारियों के माध्यम से उसका कराने का पूरा प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पूरी तरह से जो भी फरियादी आते हैं और उनकी समस्याएं जो है पूरी तरीके से गौर से सुनी जाती हैं, और सुनने के बाद यहाँ पर आए हुए लोग पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। आप देख सकते हैं अपने चहेते मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किस प्रकार से लोग जो हैं उनसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि सीधे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री जी यहाँ पर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निदान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर मंत्री जी अब देख सकते हैं किस प्रकार से, ऐसा नहीं कि जो निश्चित दिन किए गए हैं उन्हीं दो दिनों में, बावजूद इसके इस कार्यालय को खोलने का यही सीधा ध्येय है कि यहाँ पर आए हुए लोग और उनकी समस्याओं का मंत्री जी के द्वारा जो है निस्तारण और उनकी समस्याओं को सुनकर के उच्च अधिकारियों से उनका निदान करवाना रहता है। और हमारे R9 चैनल के माध्यम से भी जो है उन्होंने जनता की फरियाद जो यहाँ पर दी गई उनको और R9 भारत की टीम को भी इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए धन्यवाद कहा। जनपद कन्नौज के जनसंपर्क कार्यालय से अमित मिश्रा के साथ पुष्कर शर्मा की खास। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट।